उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद योगी के साथ योगी के जो मंत्री हैं वो भी लगातार एक्शन में हैं। कल एलडीए के जरिए निर्मित किया गया पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क की एक तरीके से जांच की गई, जांच में तमाम अनियमितताएं पाई गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री सुरेश पासी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। आपने जांच किया, जांच में आपको तमाम बिंदुओं पर अनियमितताएं देखने को मिली, किस तरीके की जांच थी और किस तरीके की अनियमितताएं देखने को मिली? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके लिए हमें आदेशित किया है, आप जो है उसको जाइए, जांच करिए, देखिए कहाँ कमियां हैं। उस कमी को जो हम देखने पहुँचे जनेश्वर मिश्र पार्क, तो सबसे पहले एंट्री गेट से किया तो जहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है 2,65,00,000 रुपए की केवल प्रतिमा स्थल पर खर्च कर दिया गया। उसके बाद आगे बढ़े तो वहाँ देखा जो पानी निकल रहा था, तो पानी के लिए हमने पूछा कि कितने यहाँ बोरिंग की गई हैं, तो लगभग 1,40,00,000 रुपए केवल उन्होंने पानी धरती से निकालने के लिए खर्च कर दिया। वो भी लगातार 3 साल से गोमती नगर जो क्षेत्र है उसका जलस्तर नीचे जा रहा है, 16 मीटर नीचे जलस्तर चला गया। उसकी चिंता उनको कोई नहीं है, केवल भ्रष्टाचार लिप्त करने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया केवल उस पर पानी निकालने के लिए। ये बताइए एलडीए के जो तमाम बड़े आला अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो जांच का विषय है वो तो एलडीए के ऊपर ही होना चाहिए। कार्रवाई निश्चित होगी, इसीलिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया है, हम लोग वहाँ गए हैं, जाँच किए हैं, जाँच कर में जो अनियमितता पाई गई है जाँच रिपोर्ट उनको सौंपेंगे, निश्चित कार्रवाई होगी, उसमें कोई 1% शक नहीं है। कब तक? बहुत जल्द सामने आने वाला है, जांच रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद कार्रवाई होगी। ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री सुरेश पासी जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि बहुत ही जल्द जो तमाम धांधलेबाज टाइप के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में एलडीए के उन तमाम अफसरों पर भी गाजगरनी तय मानी जा रही है जो कि पिछली सरकार में मोटी कमाई वाले पोस्ट पर काबिज रहे हैं। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ विक्रम मिश्रा, APN लखनऊ।